कहाँ गए थे तुम? इंटरव्यू के लिए गया था। अच्छा, फिर क्या बना? मिल गई नौकरी? नहीं। क्यों? अम्मी, वो मेरे बाप की मुलाजिम नहीं है। जो आपका है मेरा हुक्म मानेंगे। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें भला कौन इनकार कर सकता है। क्यों, मुझे क्या सुरखाब के पर लगे हुए? सुरखाब के पर ही समझो, जमाल भाई के दफ्तर में काम कर चुके हो, वो भी बड़ी सीट के ऊपर। बहुत तजर्बा है तुम्हारा, तुम्हें भला कौन इनकार करेगा? जमाल अंकल की वजह से वो सब मुझे इनकार कर रहे क्या? समझी नहीं मैं। छोड़े अम्मी, मैं नहीं समझा सकता आपको। क्या जमाल भाई अपने लोगों को कहकर तुम्हें इंटरव्यू में फेल करवा रहे हैं? जमाल भाई इतने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं, सबको जानते हैं। वो एक बार कहेंगे तो तुम्हें कोई नहीं रखेगा नौकरी पर। शायद ऐसा ही है। ऐसे मैंने भी महज शक की बुनियाद पर बात की है। जमाल भाई ऐसे लगते नहीं है कि एकदम नफरतों पर उतर आए। खैर, अब खाना ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब होगी तो बता दो। बता दे। सी ऑफ कर दिया आपने मिस मोना को? हाँ कर दिया। कौन थी ये लड़की? नहीं, बताया तो है, मेरे ऑफिस में काम करती है। और कुछ? और कुछ क्या? बस इतना तारुफ मोना का। तो और क्या होगा? देखा, मैंने कहा था ऐसी वैसी कोई बात नहीं। ऐसी वैसी क्या बात? वो कुछ नहीं। क्यों, अब क्यों कुछ नहीं? अब क्यों चुप हो गई हो? बताओ ना डैड को। सुषमा, मैं बताती हूँ ना डैड को, अब क्यों चुप हो गई? डैड ये कह रही थी कि आप मोना में इंटरेस्टेड हैं। क्या? जी, और निम्रा ये भी कह रही थी कि बहुत जल्द इस घर में नए फर्द का इजाफा होगा। पागल हो गई। सुन लिया तुमने? ऐसी वैसी कोई बात नहीं। मैंने तो सुन लिया, लेकिन तुम नहीं देख सकी। क्या? डैड की मुस्कुराहट,